देखिएगा आज की जो हमारी क्लास रहेगी BHDLA 135, ठीक है, हिंदी भाषा विविध प्रयोग। आज हम लोग इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, यानी जो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, इसको सोल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। और लगभग मैं इसमें 5 साल के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो रहेगा, इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, 5 साल के पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, इसमें जो जो इम्पोर्टेंट रहेगा उन्हीं क्वेश्चनों को हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, अगर आप बात करें तो आपका जो एग्जाम होगा 100 नंबर का पेपर होगा, ठीक है, जिसमें से पास होने के लिए आपको 35 यानी 35 मार्क्स चाहिए, ठीक है। और आपका जो एग्जाम होगा ये 3 घंटे का एग्जाम रहने वाला, कितने घंटे का, 3 आवर्स का आपका एग्जाम की टाइमिंग रहने वाली, 3 घंटे का ये पेपर रहेगा, ठीक है। और इसमें अगर हम मैं बात करूँ, इसमें खंड 2 दिए गए, खंड 1 में 5 क्वेश्चन है जिसमें से आपको 20 20 नंबर के 3 क्वेश्चन करने रहेंगे, और खंड 2 में जो आपको जो भी दिए गए आपको सारे क्वेश्चन करने पड़े, खास तौर से पारिभाषिक शब्द, निबंध और आपको संधि लिखना पड़ेगा। तो इसमें देखो, सबसे पहले अगर मैं 5ों साल के अगर मैं क्वेश्चन पेपर की बात करूं, तो 5ों साल के क्वेश्चन पेपर में जो सिमिलर है, जो हर साल आया है, उन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग करेंगे। तो अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, तो अगर आप लोग देखेंगे कि आपका जो पहला चैप्टर है, देवनागरी लिपि के संबंध में अपने विचार व्यक्त कीजिए, तो देवनागरी लिपि को लेकर के बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। अगर इस क्वेश्चन पेपर में देखोगे, इसमें भी पूछा गया कि हिंदी लिपि और वर्तनी के मानकीकरण की बात की गई है, लिपि की बात की गई है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन पेपर में देखोगे तो किसी भाषा के लिए लिपि के महत्व की बात की गई है, तो लिपि का महत्व, वर्तनी, इस टाइप के जो क्वेश्चन, देखो वर्तनी संबंधी नियम बताओ, इस टाइप के क्वेश्चन जो है अगर आप देखेंगे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए। देखो हिंदी वर्तनी और विराम चिन्हों का बताइए, ठीक है। और यहाँ पर अगला इस क्वेश्चन पेपर में देखेंगे तो इस क्वेश्चन पेपर में भी देवनागरी लिपि को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया। तो यानी कहने का मतलब है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनेगा देवनागरी लिपि या वर्तनी, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, जो आपके पेपर में आ सकता है। तो चलिए हम लोग इसी पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, जो आपके पेपर में आने की, जिसकी क्या है संभावना भी क्या है, बहुत ज्यादा है कि ये क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अगर मैं पहले चैप्टर की बात करूं तो पहला जो क्वेश्चन आता है वो आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट में से ही आएगा कि हिंदी लिपि और वर्तनी का परिचय। इसमें अगर आप देखेंगे भाषा और लिपि, इसमें जैसे लिपि के फायदे और लेखन की विधि है, और साथ में आपको देवनागरी लिपि में ही आपको वर्तनी के बारे में भी बात की गई। तो देवनागरी लिपि और लिपि क्या है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो कि आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चलिएगा सबसे पहले हम लोग थोड़ी सी भाषा और लिपि के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले अगर बात करूं भाषा क्या होती है, भाषा को आप लोग कह सकते हैं कि भाषा एक प्रकार से मौखिक और लिखित दोनों होती है, ठीक है। भाषा तो वही है ना भाई, जो हम बोल रहे हैं ना, कि अगर आप देखेंगे तो हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है, ठीक है, उसी से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य बनते हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे या कैसे, देखो आप भाषा के लिखित रूप को पढ़ रहे हैं, आपके सामने छपे हुए अक्षर हैं, इन्हीं अक्षरों में भाषा उच्चारित रूप में पहचानते हैं, अर्थ ग्रहण करते हैं। तो भाषा क्या है, भाषा लिखित और मौखिक दोनों प्रकार की होती है। अब जैसे अगर आप इस बुक को देख रहे हो, तो भाई इस बुक में छपे हुए अक्षर है ना, जिनको हम पढ़ते हैं और उनके अर्थ को हम लोग क्या करते, पहचान भी लेते ना। अरे एक बात बताओ भाई कि भाषा क्या है, भाषा तो वही है ना जो हम लोग बोल रहे हैं ना, और भाषा किसके किसके जरिए बोली जाए भाई, ध्वनि के जरिए बोली जा रही ना। अरे आप लोग जब बोलते हैं तो आपके मुख से क्या कोई ना कोई ध्वनि निकलती है ना, यानी आवाज निकलती है ना, तो क्या है। और इसी प्रकार से नहीं, भाषा क्या है, भाषा कह सकते हैं कि एक व्यक्ति अपने विचारों को या अपने मन की बातों को व्यक्त करने के लिए जिस चीज का प्रयोग करता है उसे हम क्या कहते हैं भाई, भाषा कहते हैं। अरे भाषा के बिना तो आदमी बोलना तो दूर, सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति सोचता है तो वह भी किसी ना किसी भाषा में ही सोचता है। भाषा के बिना व्यक्ति बोलना तो दूर की बात है, सोच भी नहीं सकता है। भाषा क्या है, जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के जरिए क्या होता है कि भाई विचारों का आदान प्रदान होता है। देखो अगर हम लिपि की बात करें तो लिपि क्या है, देखो भाषा को जिसमें लिखा जाता है उसे हम लिपि कहते हैं। लिपि मतलब एक प्रकार से जैसे लिखना, एक प्रकार से लिखना। अब जैसे हिंदी, हिंदी भाषा है, देखो भाषा, देखो पहले अगर हम पहले के टाइम की अगर आप लोग बात करेंगे, तो पहले भाई भाषा सिर्फ बोली जाती थी,
लिखी नहीं जाती थी। अगर आप देखेंगे कि पहले के समय में लिखना बड़ा मुश्किल कार्य था, पहले के लोग जो थे वह लिखते नहीं थे, वह सिर्फ क्या करते थे भाई मेरे, सिर्फ बोलता था, ठीक है, क्योंकि उस समय लिखने की कोई पद्धति नहीं थी, क्योंकि उस समय लिखना बड़ा मुश्किल था। पहले के टाइम में अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो उस समय हर आदमी के लिए लिखना क्या था, बहुत मुश्किल था। हम लिपि की बात बारे में अब चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, पहले के समय में लिखना बहुत मुश्किल था। उस समय लोग भाई पत्थरों पर लिखते थे, बेल पत्थरों पर लिखते थे, ठीक है, या कह सकते हो कि गीली मिट्टी पर लिखते थे, ठीक है, कछुए की खाल पर लिखते थे। पहले मनुष्य सिर्फ बोलता था, लिखता नहीं था, लेकिन जैसे जैसे संस्कृति का विकास हुआ, देखो जैसे जैसे संस्कृति का विकास हुआ, और कह सकते कि वैसे वैसे धीरे धीरे लिखना आसान हो गया। मध्य काल यानी जब मध्य का समय यानी जब चीन में कागज का जब आविष्कार होता है, उसी समय से कह सकते हो कि लिखना जो था वो बहुत ज्यादा आसान हो गया। और आप सबको वैसे भी पता होगा कि कोई भी भाषा हो, सबसे पहले भाषा बोली जाती है और भाषा बाद में लिखी जाती है। जैसे आप लोग देखो, आप लोगों ने देखा भी होगा कि अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा सबसे पहले भाषा को बोलना सीखता है, बाद में लिखना सीखता। ऐसा तुमने कोई लड़का नहीं देखा होगा तुम सबने कि भाई वो भाषा लिख लेता, लिखना तो उसको आता जी, लेकिन बोल नहीं पा रहा है। तो हर कोई आदमी सबसे पहले बोलना सीखता है, बाद में लिखना सीखता है। अरे बोलना तो हम लोग अपने घर परिवार में बच्चा सीख लेता है, मम्मी मौसी पापा बुआ ये सारे शब्द तो घर वाले ही सिखा देते हैं, लेकिन भाषा यानी यानी भाषा को जब लिखना है यानी लिपि की बात करें, तो उसके लिए तो भाई उसको लिखना लिखना पढ़ना पड़ता है, स्कूल कॉलेज जाने पड़ते हैं, तब जाके सीखता ना। अगर हम लोग लिपि की बात करें तो लिपि की सबसे बड़ा गुण यही है कि भैया किसी भी चीज को लिख करके हम अपने विचारों को सुरक्षित रख सकते हैं। लिपि का सबसे बड़ा फायदा क्या है भाई, लिपि सबसे बड़ा फायदा हमारे लिए क्या करती है, यही करती है ना कि अगर कोई चीज है, जैसे मैंने कोई चीज किसी को बोली है तो आदमी भैया भूल जाएगा, तो जब हम लोग लिखेंगे तो लिख करके अपने विचारों को अपनी बातों को सुरक्षित रखा जा सकता है। अरे भाई पहले के टाइम में जब लोग बोलते थे तो बात कहाँ पहुंच पाती थी, दूर तक नहीं जाती थी, या उस समय लोग सिर्फ बोलते थे लिखते नहीं थे। तो लिखने से क्या होता है कि विचारों को और बातों को देर तक सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे मान लो कि भाई तुमको कोई सामान लाने जाना बाजार से, और इतना सामान मैंने बता दिया कि तुम भूल जाओगे, तो हम लोग क्या करते हैं पर्ची पर लिख लेते हैं ना, ताकि हमको पता रहे क्या क्या सामान खरीद कर लाना है। अगर मान लीजिए कि लिपि का सबसे बड़ा फायदा यही है कि किसी चीज को लिख लेने से हम लोग उस चीज के बारे में भूलते नहीं, वो चीज हमें याद रहती है। और लिखने से क्या होता भाई, लिखने से ये होता है कि विचारों का प्रवाह होता है और व्यक्ति भूलता नहीं उसको सारी चीज। दूसरा लिपि का दूसरा बड़ा फायदा यही है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने विचारों को सुरक्षित रख सकते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी लिख भेजा जा सकता है। एक बात बताओ भाई, महाभारत की कहानी तुम सबने सुनी होगी, रामायण की कहानी सुनी होगी, क्या रामायण के समय में हम लोग थे, नहीं थे ना, लेकिन रामायण जो है या जो महाभारत है या जो इतिहास है, जो भी पुरानी बातें हैं, उनको लिखा गया तभी तो हम लोग पढ़ पा रहे हैं। अरे एक बात बताओ भाई, अगर लिपि नहीं होती तो कुछ लिखा नहीं जाता, अगर कुछ लिखा नहीं जाता, लिपि मतलब होता भैया लिखना। अब जैसे हिंदी की लिपि है देवनागरी, देवनागरी क्या एक लिपि है, लिपि आप जैसे अब एक बात कर लेते हैं, हिंदी कैसे लिखी जाती है, अरे का खा गा गा चा छा जा जा ना, यही तो छोटा बड़ा छोटी, इसी में तो लिखी जाती है हिंदी। तो हिंदी की जो लिपि है देवनागरी है, अरे भाई लिपि होगी तभी तो अपने विचारों को सुरक्षित रखोगे। एक बात बताइए, लिपि के माध्यम से एक पीढ़ी की बातें दूसरी पीढ़ी में जाती हैं। अब जैसे मैंने हम लोगों ने बात किया कि भाई महाभारत रामायण कितना समय पहले हुआ था, अरे रामायण के समय हम लोग तो थे ही नहीं भाई मेरे, अरे रामायण के समय लोगों ने लिख के रख लिया ना, तभी तो आज हम रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में, बाकी चीजों के बारे में आप लोग हम जान पा रहे, नहीं तो हम लोग कहाँ जान पाते बताओ, उस समय हम लोग थे नहीं थे ना। अरे भाई रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में, किसी चीज के बारे में हम लोग जो जान पाते हैं, क्यों, क्योंकि उनको लिख लिया गया है ना, लिपि थी तो लिख लिया, और लिपि नहीं होती तो उसी उसी समय के लोग जानते, बाकी आदमी जानता ही नहीं। लिपि का अगला फायदा क्या भाई, लिपि का अगला क्या है कि लिपि का अगला फायदा ये कि लिपि से भाषा का विस्तार होता है, संप्रेषण का विस्तार होता है। देखो अरे भाई किसी चीज को लिख लोगे तो उसको दूर तक भेज सकते हो ना, अगर तुम लोग देखते नहीं कि भाई अखबार दिल्ली में छपता है और दूर दराज के इलाकों में भेजा जाता ना, अरे लिखा लिखा जा रहा तभी तो भेज रहे हैं। अब देखो हम लोग
व्हाट्सएप में भी मैसेज करके बात कर लेते हैं। अरे भाई एक बात हो, अगर लिखना नहीं होगा तो क्या व्हाट्सएप पर चैटिंग हो जाएगी? नहीं हो पाएगी ना जी। तो लिखने का मतलब क्या है? लिखने से क्या होता है? संप्रेषण मतलब होता है कि बात को दूर तक भेजा जा सकता, संप्रेषित किया जा सकता ना। अब जैसे मान लीजिए कि मेरे मन में कोई बात है, अगर मैं उसको लिख दूंगा तो एक बताओ, मैं यहाँ रोहतक हरियाणा में बैठा हूँ, ठीक है, और मुझे मान लो भाई कोई बात दूर भेजनी है तो मैं लिख करके भेज सकता हूँ ना, लेकिन आवाज तो दूर तक तो नहीं जाएगी ना। तो लिपि के माध्यम से संप्रेषण का विस्तार होता है, ठीक है। और लिपि क्या करती है कि भाषा को विस्तारित करती है, भाषा को आगे बढ़ाने में काम करती है ना। अरे भाई पहले के समय की बातों को आज हमने लिख रखा है, एक बात बताओ, मुगल काल हो, दिल्ली सल्तनत हो, इतिहास के बारे में तुम सबने पढ़ा होगा तो कैसे जान पा रहे हो? लिखा गया तभी तो पढ़ पाया। संप्रेषण के जरिए भाषा का क्या होता है भाई? विस्तार होता है। लिपि, अगर लिपि नहीं रहेगी तो भैया भाषा बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जब लिखा ही नहीं जाएगा तो भाई उसका क्या महत्व रह जाएगा। अब हम बात करें लेखन की विधि का लिपि में। अरे भाई लिपि में लेखन का मतलब होता कि हिंदी में जो लिपि देवनागरी है उसमें देवनागरी मतलब समझते, जैसे का खा गा घा, छोटा बड़ा छोटी बड़ी, यही सब तो हिंदी तो ऐसे तो लिखी जाती है ना। अब एक बात करूं, जैसे मैंने बोला राम तो मैंने लिखा राम, तो ये लिखा तो राम है लेकिन किस में लिखा जी? ये देवनागरी में लिखा है। रा रा पे आ की मात्रा में ये देवनागरी में राम लिखा है। अगर इसी को मैं राम लिख देता हूँ आरएम, ये भी राम लिखा है लेकिन किस में राम लिखा है? ये रोमन में लिखा है। कि अंग्रेजी की लिपि क्या है? रोमन लिपि है। तो लिपि का मतलब होता कि जिसमें लिखा जाता है। अब जैसे आज लोग काफी लोग व्हाट्सएप पर बात करते तो पता कैसे लिखता है? मैंने खाना खा लिया, खाना कैसे लिखा? KHANA लिख रहा, खाना लिख रहा। तो खाना हिंदी में नहीं लिखा है, ये खाना जो लिखा है इसने रोमन में लिखा है जी। इसमें लिखा है तो हिंदी लेकिन लिपि की कौन सी है? ये रोमन लिपि हो जाएगी। जैसे हम लोग व्हाट्सएप बात नहीं करते हैं, क्या आप घर पे आ गए, क्या मतलब क्या? KYA बोला क्या? तो आपने KYA जो क्या बोला वो आपने हिंदी में नहीं बल्कि आपने रोमन में लिखा है। किसमें लिखा जी? रोमन में लिखा है। अगर आप आधा क्या और या की मात्रा और लगाते तो क्या, तब आप उसको बोलते कि भाई मैंने इसको देवनागरी लिपि में लिखा है। तो लिपि यही है, आप लोग समझ रहे कि जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अरे भाई लिपि अगर नहीं होगी तो भाषा व्यवस्थित नहीं रहेगी। और देवनागरी लिपि कैसे लिखी जाती भैया? बाएं बाई से दाई ओर चलती। कैसे चलती है जी? देवनागरी जो लिपि है बाई से दाई ओर चलती है। अब बताता हूँ कैसे चलती है। देखो देखो, अगर हम लोग लिखना शुरू करते तो इधर से शुरू करते। देखो लेखन क्या है, लिपि क्या है, देखो यहाँ से लिखना शुरू किया ना, इसलिए बोलते हैं कि देवनागरी लिपि बाई ओर से दाई ओर चलती है, बाएं साइड से। कहने का मतलब एक खास तौर से लेफ्ट से राइट की ओर चलती है लिखने में, लेफ्ट से शुरू किया जाता है राइट तक लिखा जाता है। उसी प्रकार से जैसे उर्दू है वो क्या, वो राइट से शुरू होती लेफ्ट तक जाती है। तो क्या है कि देवनागरी लिपि क्या चलती है भैया? बाई से दाई ओर चलती है। और देवनागरी लिपि में क्या है, यानी वर्णों के क्रम को व्यवस्थित रखना जरूरी है। जैसे अगर आप देखेंगे भाई सबसे पहले, यानी देखो देवनागरी लिपि जब भी लिखी जा रही है, ठीक है, तो इसको क्रम में लिखा जाता है, यानी क्या है, सिस्टमेटिक ढंग से लिखा जाएगा देवनागरी लिपि में। अब दूसरा दूसरा क्या है कि देवनागरी लिपि में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। हिंदी की खासियत क्या है? हिंदी भाषा की अगर हम खासियत की बात करें देवनागरी लिपि में, अगर आप देखेंगे कि जो बोला जाएगा वही लिखा जाएगा। बाकी में देखो हिंदी में कोई भी शब्द साइलेंट नहीं था, जैसे तुम सबने अंग्रेजी में सुना होगा कि भैया ये सब यानी वर्ड साइलेंट है तो लोग अगला शब्द बोलते हैं। तो हिंदी में कोई भी शब्द साइलेंट नहीं होता है, ठीक है, और हिंदी वर्णमाला में जो 11 ध्वनियां हैं उन्हें से ज्यादातर कह सकते हैं कि जो हमारी मात्राएं बनती है। तो देवनागरी लिपि वाला काफी इंपॉर्टेंट भाषा, और देवनागरी लिपि पेपर में आ सकता है, ये सब 20 नंबर में आएगा। और जितना चीज बता रहा हूँ सब मिक्स करके लिख देना, ठीक है। अब हम लोग बात करें देवनागरी लिपि की, और बात कर लेते हैं भैया देवनागरी लिपि में क्या कर दिया गया, मानक बना दिया। मानक मतलब समझते हो जी? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्या है, मानक क्या है? मानक आओ समझो। अरे मानक का मतलब भाई मेरे कि काखा गाघा कैसे लिखा जाएगा। अब देखो अब बताओ मानक क्या, पहले से किताब छोड़ो ऐसे समझो। देखो जैसे मैंने लिखा का, मैंने लिखा खा, मैंने लिखा गा, मैंने लिखा घा, भैया का ऐसे लिखा जाएगा, का ऐसे इस प्रकार से लिखा जाएगा, पूरे देश में का इस प्रकार से लिखा जाएगा, छोटा ऐसे लिखा जाएगा। देखो आप सबने सुना भी होगा, हर आदमी भाई मेरे हिंदी को अलग प्रकार से बोलता है। देखो जिस प्रकार से जो टोन मेरी हिंदी बोलने की है शायद वही टोन आपकी शायद ना हो हिंदी बोलने की, शायद बंगाली व्यक्ति है, मराठी है, गुजराती है, ठीक है,
या तमिल के लोग, तमिल बोलने वाले लोग हैं, वह हिंदी को जैसे हम बोल रहे हैं वैसे उनकी टोन नहीं है। भैया अगर हिंदी को अगर सब लोग अलग अलग प्रकार से बोल रहे हैं, तो अगर कहीं अलग अलग प्रकार से लोग हिंदी लिखना शुरू कर देंगे तो लोग आदमी कैसे समझेगा बताओ। तो हिंदी को एक जैसा लिखा जाए, ध्यान सुनो ना, क्या बोलो, हिंदी को लेखन में किसी प्रकार की समस्या ना हो, सभी व्यक्ति हिंदी को एक जैसे लिखें, इसलिए हिंदी का मानकीकरण कर दिया गया है। क्या कर दिया भैया, इसका मानक बना दिया, यानी स्टैंडर्ड बन गया है कि का कैसे लिखना है, खा कैसे लिखना है। और इसका मानक किसने बनाया है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने। किसने बनाया जी, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने मानक बना दिया है कि हिंदी को कैसे लिखा जाएगा। अब देखो हिंदी का जो क्षेत्र है बहुत विशाल है, हिंदी बहुत बड़ी भाषा है, ठीक है। इसके कुछ कारण वर्णों का लेखन में भी बताती। भैया हिंदी को जब लोग अलग अलग प्रकार से बोलते हैं तो हो सकता शायद अलग प्रकार से लोग लिखे भी हैं, इसलिए कहा गया कि हिंदी को लोग बोलते तो जरूर हैं अलग अलग, लेकिन सभी लोग लिखें एक जैसा, इसलिए भारत सरकार के केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने 1996 और 2006 में हिंदी का मानकीकरण कर दिया कि देवनागरी लिपि को लिखा कैसे जाएगा। मानकीकरण का मतलब यानी का कैसे लिखा जाएगा, खा कैसे लिखा जाएगा, गा कैसे लिखा जाएगा, घा कैसे लिखा जाएगा, चा कैसे लिखा जाएगा, जा कैसे लिखा जाएगा। अब देखो मानक कैसे बना दिए, देखो यहाँ हम देवनागरी का वर्णमाला दे रहे हैं। देखो अब भाई देवनागरी में स्वर कैसे लिखे जाएंगे, आ आ इस प्रकार से लिखना है, बड़ा छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ री ए आए ओ आओ, इस प्रकार से लिखना है ना। ये क्या कर दिया गया है यहाँ पर, इसका मानक बना दिया। क्या बना दिया यहाँ पर जी, मानक बना, मानक मतलब समझते हैं स्टैंडर्ड बना दिया, ऐसे लिखना है और किसी प्रकार से किसी को नहीं लिखना, इसी को हम लोग बोलते हैं मानकीकरण। मानकीकरण का मतलब समझ रहे हो कि इसका मानक बन गया कि आ को कैसे लिखना है, छोटा आ को, बड़ा को, छोटी को, उसी प्रकार से इनकी मात्राएं भी फिक्स हैं कि मात्रा कैसे लगानी है, यही तो मानक है, स्टैंडर्ड बन गया भाई, ऐसे सभी लोग लिखेंगे। चाहे बंगाल में लिखी जाएगी हिंदी, चाहे यूपी में लिखी जाएगी, और चाहे वो कोई बिहार में लिख रहा होगा या राजस्थान पंजाब कहीं पर भी कोई लिख रहा, तो हिंदी में जो शब्द लिखे जाएंगे ऐसे ही लिखना जैसे यहाँ पर बता रखा है, यही इसी का मतलब भाई होता मानकीकरण। अब देखो व्यंजन की बात करें, का खा गा घा रा चा छा जा झाड़ा टा ठा डा ढाणा, यानी क्या है, एक कहने का मेरा मतलब है पूरा ज्ञा तक है, अगर री तक है। अगर देखो ये क्या बता रखा है, ये यही बता रखा कि मानक बना दिया इसको, देखो काखा गाघा छोटा बड़ा पूरा लिख देना और नीचे लिख देना कि भाई इनका मानक बना दिया, का कैसे लिखा जाएगा, खा कैसे लिखा। पहले तुम सबको पता खा लोग ऐसे लिखते थे, बहुत पहले लोग ऐसे लोग खा लिखते थे, रा और वा की तरह लिखा जाता था, लेकिन अब खा को ऐसे लिखा जाता जी। तो अब खाए क्या, ये मानक बना दिया, पहले लोग खा ऐसे लिखते थे, अब खा ऐसे हो गया। तो मानक इसलिए बना दिया जाता है ताकि भाषा को सभी लोग एक जैसे ही लिखें। अरे एक बताओ, तुम सबने सुना भी भाई हिंदी को हर आदमी अलग अलग प्रकार से बोल रहा है, अगर सभी लोग हिंदी को अगर अगर बोलने में इतनी ज्यादा वो है, विविधता है, अलग एक जैसा नहीं बोलते हैं, तो अगर लिखना भी अलग अलग तरह से रहेंगे, इसलिए इसका मानक बना दिया गया भाई, स्टैंडर्ड बन गया कि ऐसे इसमें करना है। अब देखिएगा हिंदी को लेखन में क्या कठिनाई थी, वर्तनी। भाई वर्तनी का मतलब तो शुद्ध रूप, किसी भी देखो हिंदी को हम लोग गलत ना लिखें, लिखने में कोई मात्रा की गलती ना हो, इसके लिए उसकी वर्तनी बनाई जाती है। हिंदी को लिखने में सबसे ज्यादा कठिनाई तब आती है कि हम लोगों को जब कोई शब्द आधा लिखना है, पूरा लिखना है, नीचे रा लगानी है, कहाँ पर मात्रा आएगी, इसलिए हिंदी को सबसे ज्यादा लिखने में कठिनाई आती है। कि हिंदी की जब किताबें छपती हैं तो वहां पर मात्रा की, खास तौर से वहां पर र ल ऋ, इन इन प्रकार की जो चीजें होती है उनको लिखने में काफी मुद्रण यानी प्रिंटिंग में दिक्कत आती है। अब जैसे मैं बात कहूं कि खास तौर से हिंदी में बता दिया, जैसे पदम, ठीक है, उद्यान, द्वारा, उद्देश्य, उधार, इन सब में नीचे अगर आप देखें क्या लगा हुआ, रा लगा हुआ है। तो एक कहने का मतलब है कि हिंदी को लिखने में कठिनाई आती है, लिखने में कठिनाई इसलिए आती है क्योंकि हिंदी में कहीं शब्द आधा लिखा जाता, कहीं शब्द पूरा लिखा जाता, कहीं शब्द कैसे लिखा जाता है, इसलिए इनका हम लोगों ने क्या कर दिया है, पूरी तरीके से क्या बना दिया भाई मेरे, मानक बना दिया कि ताकि लिखा ऐसे जाए, ताकि लिखने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। एक बात बताओ,
कि जब सभी लोग हिंदी को अलग अलग प्रकार से बोलते हैं तो ऐसे अलग अलग प्रकार से लिखेंगे तो आदमी पढ़ेगा कैसे, पढ़ ही नहीं पाएगा क्या लिख रहा भैया। ठीक है, यही अब हम लोग थोड़ा सा बर्तनी की ओर, बर्तनी को हम लोग सरल करने की प्रक्रिया करते हैं। देखो बर्तनी क्या है, अगर आप देखोगे बर्तनी एक प्रकार सा भैया हिंदी भाषा को जब शुद्ध लिखा जाता है वही बर्तनी है। ठीक है, आप देखिएगा, जैसे अगर आप देखें संबंध, संबंध संबंध ये चारों संबंध है, इसमें कौन सा संबंध सही है, लास्ट वाला सही है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आप देखोगे, देखो जैसे यहाँ पर अंत लिखा है, यहाँ पर पंथ लिखा है, यहाँ पर बंद लिखा है, यहाँ पर अंधा लिखा है, तो नीचे वाला जो लिखा हुआ है यहाँ पर नए आधार आ भाई, ये अगर आप देखेंगे तो बर्तनी यही बता रही कि आपको बंद ऐसे लिखना है, यानी जहां पर भी नए आधा आएगा वहां पर ऊपर बिंदी आ जाती है। अगर देखोगे जैसे मैंने लिखा अंत, तो अंत ए सही नहीं है बल्कि अंत को ऐसे लिखना पड़ेगा, ऊपर बिंदी आ जाएगी। तो ये क्या कर दिया भाई, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने इनका एक प्रकार से क्या कर दिया, बर्तनी बना दी, मानक बना दिया, स्टैंडर्ड बना दिया कि कैसे आपको क्या करना है, इसमें लिखना है। लेखन में क्या कर दिया है कि लिखने में किसी प्रकार की समस्या ना हो, कि जैसे यानी भाषा को एक प्रकार से ही लिखा जाए, इसलिए लेखन को लेकर के यहाँ पर काफी चीजें की गई हैं। ठीक है, ये बर्तनी वाला 100% आएगा, बर्तनी वाला पढ़ के जाना है, लिपि पढ़ के जाना है, आएगा ही आएगा। अब देखो संबंध कैसे लिखा जाएगा, हिंदी कैसे लिखा जाएगी, झंडा झंडा इस प्रकार से लिखना है, चंचल गंगा, गंगा में आधा गय नहीं आएगा बल्कि बिंदी आ जाएगी, गंगा को हम जब लिखना है तो गंगा इस प्रकार से, जैसे मंत्री है, संघ है, देखो सही रूप लिखना, बर्तनी है ना, जैसे पुण्य पुण्य ऐसे लिखा जाएगा, गन्ना ऐसे लिखा जाएगा, साम्य ऐसे लिखा जाएगा, निम्न निम्न ऐसे नहीं लिखना है, निम्न पुंज ये सही गलत रूप है। बर्तनी मतलब होता भैया हिंदी को कैसे लिखा जाए, इसका जो शुद्ध रूप है उसी को हम लोग यहाँ पर बर्तनी करें। और पेपर में चाहे आपको देवनागरी लिपि आए, चाहे देवनागरी लिपि के फायदे आए, चाहे भाषा आए और बर्तनी आए, आपको जितनी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ सारी चीजें आपको बना करके के क्या करना है, पेपर में लिखना ही लिखना है, क्योंकि यह पेपर में एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो जो जो चीजें मैंने बताई इनको पढ़ के जाएगा, मैं जरूर कह सकता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा, जो कि आपकी 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट है। ठीक, देखिएगा अगले अगर हमें क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो लहजा अनुदान काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कई बार आपसे एग्जाम में पूछ रखा है। ठीक है, लहजा अनुदान काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखें कई बार आया है लहजा अनुदान, अगर 20 में नहीं आया तो एक खास तौर से इसको 10 में पूछा गया। तो देखिए हर साल के क्वेश्चन पेपर में लहजा अनुदान जरूर आया है, कभी कभी नहीं आया लेकिन ज्यादातर एग्जाम में अगर देखो लहजा अनुदान यहाँ पर 20 नंबर में आ गया। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें लहजा अनुदान तो अगर आया है, देखो अनुदान आया है, तो लहजा अनुदान भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी दूसरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है। तो अगर मैं लहजा अनुदान की बात करूं तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, दूसरे चैप्टर में आपको लहजा अनुदान आएगा, या देखो या तो 20 में आएगा नहीं तो 10 में आएगा ही आएगा, इस बात को याद रखिएगा, दो में से तो एक में आना ही आना है, वो हर हालत में आना है, ये रहता ही रहता है। ठीक है, अगर आप देखें दूसरा चैप्टर आ गया, देखें दूसरे चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो इसमें खास तौर से ध्वनि और शब्द हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो कि आपके 10 में पूछेगा। दूसरा अगर आप देखें लहजा अनुदान इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो ध्वनि और शब्द अगर आप पढ़ देंगे और ध्वनि और उच्चारण की वही विशेषता भी लिख देना, ठीक है, याद रखिएगा, तो लहजा अनुदान हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब मैं थोड़ा सा इसमें हम लोग बात करें ध्वनि, देखो भाई सबसे पहले देखो ध्वनि क्या होती है, मुख में से हम लोग जो बोलते हैं, जो आवाज निकलती है वही हमारी ध्वनि होती है। ठीक है, ये भाई अगर जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मेरे मुंह से आवाज निकलती है ना, वही होती ध्वनि, जैसे मैंने बोला का खा गा घा छोटा बड़ा ई, ये क्या है, ये ध्वनि है, ये तो जो मैं बोल रहा हूँ क्या ध्वनि है ना, अरे भाई हिंदी में तो यही सारी ध्वनियां होती है ना। देखो और ध्वनियों से क्या बनते हैं, शब्द बनता है, ध्वनि से क्या बनता जी, शब्द बनता है। अब जैसे मैंने एक ध्वनि बोली आ और मैंने एक ध्वनि बोली माँ, तो आ और माँ ने क्या बना दिया, बन गया आम। अब जैसे आपने बोला आ और ज, तो क्या हो गया आज, ये ध्वनियों से क्या बनते भाई मेरे, शब्द बनते हैं, ध्वनि ही क्या बनाती, शब्दों को बनाती है। जैसे मैं अगर हम ध्वनि की बात, जैसे एक ध्वनि है रा और एक ध्वनि है माँ, तो क्या बन गया, रा और माँ क्या बन गया, मिलकर राम बन गया। ठीक है, उसी प्रकार से ध्वनियों से, जैसे पंकज है,
अगर एक शब्द क्या है पंकज, तो पा का और जे ये क्या ध्वनि ही तो है, ध्वनि ही क्या बनाती, शब्द बनाती है। जैसे आप सबको पता होगा कि हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं, भाई हिंदी में कितने स्वर हैं, 11 हैं। कौन कौन से? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए, आए, ओ, आओ, ये सब है ना। और हिंदी में व्यंजन कितने हैं? भाई 33 व्यंजन है। का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, झा, ना, टा, ठा, डा, डा, ये सब क्या है? ये जानी तक क्या चलता है? हमारे व्यंजन चलते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि हिंदी में भाई मेरे, तो जो ध्वनि, जो स्वर है, स्वर की मात्रा भी होती है, आप सबको पता होगा। अगर आप देखें पूरी हिंदी में लगभग 52 क्या वर्ण माने जाते हैं। तो मान लो भाई हिंदी में अगर आप देखो 40-50 ध्वनियां हैं, 40-50 ध्वनियां हैं और मात्राएं 10-11 मात्राएं हैं। उन्हीं 40-50 ध्वनियों से 3-4 लाख शब्द कैसे बन जाते हैं? तो भाई ध्वनिया ही शब्द बनाती है, और शब्दों से ही क्या बनता है, वाक्य बनता है। जैसे मैंने एक ध्वनि बोली, क्या बोली मैंने, मैंने रा, अमे और सा, ये ध्वनि है रामेश। मैंने बोला एक शब्द क्या बनेगा, रमेश, ठीक है। अब जैसे एक वाक्य कैसे बनेगा, रमेश घर जाता है, तो क्या भाई मैंने लिखा रमे, राम घर जाता है, या रमेश ही लिख देता हूँ, ठीक है, रमेश घर जाता है, तो क्या बन गया, वाक्य बन गया। ध्वनियों से शब्द बनता है, और शब्दों से क्या बनता है जी, वाक्य बनता है। और हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं और व्यंजन कितने हैं जी, 33 हैं, ठीक है। और ध्वनि यानी हिंदी में अगर आप देखेंगे तो मात्र 40-50 ध्वनियां है, और उन्हीं 40-50 ध्वनियों से 3-4 लाख शब्द कैसे बन गए, इसी प्रकार से बन गए हैं। अगर आप देखो जैसे अगर मैं ध्वनि अगर बात करूं, जैसे क्या है, कामल, ठीक है, कमल, कलम, जग, दवात। देखो अगर आप देखो एक शब्द बदलोगे अगला बदल जाएगा। जैसे मैंने बोला कि कलम, कमल, कमल कलम हो या कमल हो, तो क्या यानी अगर आप देखो शब्द में अगर एक भी ध्वनि बदली तो शब्द का भाई पूरा जो मतलब होता, जो अर्थ होता है, वह क्या हो जाता है, बिल्कुल चेंज हो जाता है। अगला देखो, ध्वनि और उच्चारण की क्या विशेषता, देखो ध्वनियां क्या करती हैं, ध्वनि और उच्चारण में क्या विशेषता है। देखो अगर मैं कोई ध्वनि बोल रहा हूँ, जैसे मैंने कुछ ध्वनि बोली, जैसे किसी किसी ध्वनि में भैया ज्यादा मुंह खुलता है और किसी किसी ध्वनि में कम मुंह खुलता है। अगर अगर आप लोग देखोगे ध्वनि और उच्चारण की विशेषता क्या है, भाई ध्वनि ध्वनि जो है हमारे पूरे मुख से निकलती है, ठीक है, और ध्वनियों से हमारा हम लोग क्या करते हैं, उच्चारण करते। किसका उच्चारण करते जी, भाषा का उच्चारण करते यार, ठीक है। अगर देखो जैसे मैं बोला ई, छोटी ई, बड़ी, इसमें मेरा जो मुंह है कम खुला, क्या बोल करके आप लोग देखो, छोटी ई, बड़ी, इसमें क्या होता है, हमारा जो मुंह है वह कम खुलता है, लेकिन अब तुम बोलो आ, बड़ा, इसमें पूरा मुंह खुल जाएगा। तो क्या है भाई, ये विशेषता है ना, कि भाई अगर हम लोग ई, छोटी, ए, आए बोलेंगे तो हमारा मुंह कम खुलेगा, लेकिन अगर मैं आ, बड़ा, इसको अगर बोलूंगा तो मेरा जो मुंह है वो ज्यादा खुलता है ना, खुलता कि नहीं खुलता, पर ज्यादा खुल जाता है ना। तो ध्वनियों ध्वनियों के उच्चारण की क्या है, यही विशेषता है। और ध्वनि को जब हम उच्चारण करते, कोई देखो तुम सबने BHD 182 में जो पढ़ा था, जो मैंने पढ़ा था, उसमें कुछ ध्वनियां होती हमारे मुख से बोली जाती हैं। आप सबको पता कि अगर कोई ऐसी ध्वनि है जो हमारे पूरे मुख से बोली जाती है, हवा पूरे मुंह से निकलती है, उसे हम मौखिक ध्वनि बोलते हैं। बताया था मैंने आपको ना मौखिक ध्वनि क्या होती है। अगर मैंने कोई कोई वर्ण वर्ण मैंने मान लीजिए मैंने कोई वर्ण शब्द बोला, वर्ण बोला, ठीक है, और मेरे मुख से जो हवा है, मुख से भी निकल रही, नाक से निकल रही, तो उसको मौखिक नासिका ध्वनि कहते हैं। अगर मैं किसी वर्ण का उच्चारण करूं और पूरी हवा मेरे नाक से निकलती है, तब उसे क्या, नासिका ध्वनि कहते हैं। तो भाई ध्वनियों की यही विशेषता ना, कोई किसी ध्वनि की जो किसी ध्वनि के उच्चारण में जो हवा होगी पूरे मुंह से निकलेगी, किसी ध्वनि में जो हवा होगी वो मुंह से भी निकलेगी और नाक से निकलेगी, और किसी किसी ध्वनि में क्या होता है कि जो पूरी हवा होती है वह हमारे नाक से ही निकलती है, इसलिए हम उसको क्या बोलते भाई, नासिका ध्वनि कहा जाता है। अब देखो अगर ध्वनि की बात करो, देखो भाई कंठ, कंठ मतलब गले के नीचे होता कंठ, कंठ से कौन कौन सी ध्वनि बोली जाती है, जैसे का, खा, गा, घा, रा, तालव्य से, यानी तालव्य यानी होता है, इससे कौन कौन सी ध्वनि बोली, जैसे चा, छा, जा, झा, रा, ये तालव्य से बोलिए, मूर्धा किसे, टा, ठा, डा, ढा, रा, इनसे बोली जाती है। दंत से यानी दांत से कौन कौन सी ध्वनि बोली, अरे बोल करके भैया देख लो ताकि पता, तालव्य क्या, तालव्य का मतलब देखो टा ठा डा ढा,
तालव्य का मतलब होता है, तालव्य में कहता है जो हमारी जीभ है ये थोड़ी सी पीछे जाती है और ऊपर को टच करती है, मूर्धा यानी ये टा ठा डाढ़ा, इसमें हमारी जो जीभ है थोड़ी आगे आएगी, क्या जीभ थोड़ी आगे आती है। और दंत मतलब ऐसी ध्वनि जिसको हम बोलें तो हमारा दांत यूज होता है, जैसे ता था दा धा ना, इसको बोल के देखो अगर आप बोलोगे तो क्या है आपके दांत दांत इसमें आएंगे ना, ता था दा धा ना, देखो दांत यूज होता है। उसी प्रकार से होंठ, ओंठ ओंठ, होंठ मतलब ओंठ, जैसे आप बोलो पाफा बाभा मा तो आपके होंठ से बोलोगे, तो ध्वनि की यही विशेषता है, किसी ध्वनि का उच्चारण कंठ से होता है या किसी किसी ध्वनि का उच्चारण तालव्य से होता है, किसी ध्वनि का उच्चारण मूर्धा से होता है, किसी ध्वनि का उच्चारण दंत से होता है और किसी ध्वनि का उच्चारण जो होता है वो होंठ से होता है। आप समझ रहे हैं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है और इसको बना करके आना है। अगला देखिए हमारा क्या भैया, लहजा अनुतान क्या होता है, अगला क्वेश्चन क्या हमारा, लहजा और अनुतान क्या होता है। ठीक है, अगर हम लोग लहजे की बात करें, लहजा आप समझते हो, जैसे अगर मैं कोई बात बोलता हूँ मेरा बात करने का जो स्टाइल है जो तरीका है वही होता भैया मेरे लहजा। जैसे तुम सबने देखा कि कोई कोई आदमी बड़े भावुक होकर के बातें करता है, वो देखा होगा ना, कुछ लोग बड़े गुस्से में बातें करते हैं, कुछ लोग बड़े प्यार से बातें करते हैं, कोई कोई देखा होगा बहुत धीमे आवाज में बोलता है, कोई कोई जिनका जिसका पिच ऊपर है, पिच ऊपर मतलब समझते हो जो जिनकी टोन तेज आवाज में बात करते हैं ना, बहुत बहुत लोगों का जैसे ऐसे लगे बात करेंगे जैसे लड़ाई कर रहा आदमी। तो लहजा क्या होता है, बात यानी वाक्य को बोलने का जो तरीका होता है जो ढंग होता है उसे हम लहजा। देखिएगा जब हम वाक्य को बोलते हैं तो वाक्य को बोलने का ढंग या भाव ही हमारा लहजा कहलाता है। देखो जब मैं किसी वाक्य को बोलता हूँ या मैं किसी शब्द को बोलता हूँ तो शब्द को जो बोलने का तरीका है क्या है भाई, मेरे जो बोलने का तरीका जो ढंग है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लहजा कहते हैं। बोलते नहीं स्टाइल से बोलना, जैसे जैसे मान लो कुछ कुछ लोग जो भावुक होकर के बातें करते हैं, कुछ कुछ लोग होते हैं बड़े, जैसे सुनने हुआ कि भाई कुछ नहीं बताओ भैया वो तो नाक से बोलते हैं, नाक से बोलना यानी शब्द को बोलेंगे जैसे नाक में ही रह गया, कोई कोई आदमी बोलता है आधी बात मन में ही रह लेता है। ठीक है, कुछ कुछ आदमी होते हैं अगर जैसे बात करेंगे तो बहुत तेज आवाज में बात करते हैं, कुछ वो आदमी तो बड़ा धीमा बोलते हैं, जैसे डॉक्टर डॉक्टर के पास जो गए तो डॉक्टर ज्यादातर क्या है थोड़ा धीमी आवाज में बात करते हैं, कहीं कहीं किसी किसी राज्य के लोग जैसे तेज आवाज में बात करते हैं। तो लहजा क्या है यानी जब हम किसी शब्द को बोलते हैं या अपनी बात को कहते हैं तो हमारी बात को कहने का ढंग क्या है, यानी हम अपनी बात को कैसे बता रहे हैं दूसरे के सामने, कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, यही हमारा लहजा होता है। अब बात करें अनुतान क्या होता है, देखो अनुतान का मतलब ये होता है कि अगर मैं किसी शब्द को बोल रहा हूँ तो उसमें जो उतार चढ़ाव होता, आरोह अवरोह इसको बोलते हैं, जैसे मैंने किसी शब्द को बोला, ध्यान से मेरी बात को सुनना, जैसे मैंने किसी शब्द को बोला तो शब्द को बोलने में जो कभी तेज बोलता है कभी धीमा बोलता है, जैसे तुम सबने गाने सुने होंगे ना, गाने सुने, देखो गाने में जो सिंगर होता जो गायक होता सिंगर होता है वो कभी आवाज को तेज करता कभी आवाज को धीमी करता, उसी को क्या बोलते हैं भैया अनुतान बोलते हैं। अनुतान का मतलब होता है कि जैसे किसी, देखो कभी कभी हमें किसी किसी शब्द पर ज्यादा जोर देना पड़ता है, क्या जैसे तुम बात कर रहे हो तो कभी तेज आवाज में बात कर आदमी करता है कभी धीमी आवाज में बात करता है ना, जहां पर जैसी स्थिति। अनुतान का मतलब होता है सुर लहर, यानी जब हम अपने शब्दों को बोलते हैं वाक्यों को बोलते हैं तो बोलने में कभी हम तेज बोलते हैं कभी हम धीमा बोलते हैं, एक समान नहीं बोलते हैं, यानी हमारी जो आवाज है वह अलग अलग प्रकार से रहती ना, तो कभी तेजी तेजी से बोलेंगे कभी धीमा बोलेंगे, तो बोलने का जो हमारा ऊपर कभी तेज बोल रहा कभी धीमा बोल रहा है यही हमारा क्या होता है अनुतान होता है, यानी इसको हम सुर लहर बोलते हैं। सुर लहर का मतलब होता है कि जब मैं किसी शब्द को बोल रहा हूँ कभी मैं देखो जैसे आप देखोगे जब मैं क्लास को शुरू करता हूँ तो वहां पर मैं बड़ी तेज आवाज में बोलता हूँ यानी स्टार्टिंग में, लेकिन बीच में अगर जब क्लास चलती है तो मेरी आवाज लगभग बराबर रहती, कभी तेज होती कभी धीमा होती है ना, कि अगर मुझे लग रहा है कि भाई आवाज शब्द ज्यादा है तो ये कहने का मेरा मतलब है कि हम लोग कभी आवाज को धीमा बोलते हैं और कभी आवाज को क्या करते हैं तेज बोलते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि आवाज को कभी हम स्पीड स्पीड में ज्यादा ले लेते हैं कभी स्पीड डाउन मार देते हैं। अरे तुम सबने गाने नहीं सुने होंगे, जैसे कोई गाना गाने आता सिंगर आता है तो गाना कैसे शुरू करता, पहले धीमे धीमे गाता है ना, जैसे कोई गाना गाना शुरू करेगा जैसे गाना गा रहा जीता था जिसके लिए तो कैसे करेगा, ऐसे थोड़ी तेज से गाने लगता, धीरे धीरे गाना के उठाता ना, और जब गाना खत्म करेगा तो ऐसे थोड़ी बीच में बंद कर देगा,
धीरे 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 क्या करता, गाना डाउन मार देता। इसी को बोलते भैया अनुतान। अनुतान मतलब समान, अनुतान एक प्रकार से जैसे हम लोग बात करते हैं, तो लहजा अनुतान 20 नंबर में अभी आता है, और कई कई बार ये दोनों अलग अलग पूछे जाते हैं, 10 नंबर है। तो लहजा अनुतान भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, इसलिए इसको भी पढ़ के जाना। ये या तो 20 में पूछेगा या तो 10 में आएगा, कम से कम एक पेपर में आ सकता है, इसलिए लहजा अनुतान हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और ध्वनि और उच्चारण भी पढ़ करके जरूर चले जाना, वह भी पेपर में आ सकता है। जो जो मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ उसको आराम से समझिए, सिर्फ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक को और इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चैप्टर को हम लोग करेंगे, फालतू के चैप्टर हम लोग यहाँ पर बिल्कुल भी करने वाले नहीं है। वही वही सिलेक्टेड टॉपिक मैं करवाऊंगा जो आपके पेपर में आ सकता है या आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। उतना पढ़ के जाइए जितने पेपर में आपका पेपर अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि हम सिलेक्टेड पढ़ेंगे तो ज्यादा फोकस करके आप एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे या पास कर पाएंगे। चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट रहने वाला, ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं जो अगला बताता हूँ उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अगर अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो अगला क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो आपके पेपर में आएगा, वो तो खास तौर से एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बनेगा, वो रहेगा प्रयोजन मूलक। क्या बनेगा? हिंदी के प्रयोजन मूलक स्वरूप। ये काफी तीसरा चैप्टर है, तीसरा चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, हिंदी के प्रयोजन मूलक स्वरूप को बताइए। तो प्रयोजन मूलक को लेकर के कई बार क्वेश्चन पूछा गया, अगर मैं बात करूँ प्रयोजन मूलक बहुत बार आया है। तो यहाँ पे देखो जैसे वाणिज्य में हिंदी कैसे है, या प्रयोजन मूलक का बहुत बार पूछा गया। अगर आप देखेंगे प्रयोजन मूलक काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रयोजन मूलक आ सकता है। देखो हिंदी का प्रयोजन मूलक वर्तनी के भीतर, भाई प्रयोजन मूलक आता ही आता है, इसलिए प्रयोजन मूलक को करके जाना है। ये आने के चांसेस इसके काफी रहते हैं, काफी हद तक रहता है कि प्रयोजन मूलक देखो ये आया है। वही मैं बता रहा हूँ जहां जहां पर प्रयोजन मूलक के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, तो प्रयोजन मूलक आ सकता है, इसलिए इसको करना काफी जरूरी है। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं, जो कि आपके चैप्टर नंबर किस में रहेगा, चैप्टर नंबर तीसरे में है, ठीक है। तो प्रयोजन मूलक क्या होता है? देखो प्रयोजन मूलक का मतलब होता है कि जब भाई प्रयोजन मूलक भाषा बोलो या प्रयोजन मूलक हिंदी, चैप्टर नंबर तीसरा है, क्या है? प्रयोजन मूलक। प्रयोजन का मतलब होता है भैया उद्देश्य, किसी खास उद्देश्य के लिए जब भाषा को बोला जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रयोजन मूलक भाषा या प्रयोजन मूलक हिंदी। क्या बोलते हैं? क्या ध्यान सुना मैंने क्या बोला, कि किसी खास उद्देश्य के लिए या किसी खास प्रयोजन के लिए जब हिंदी को बोला जाता है या भाषा को बोला जाता है, वही हमारी प्रयोजन मूलक भाषा या प्रयोजन मूलक हिंदी होती है। देखिएगा प्रयोजन से शब्द का मतलब है कोई ना कोई उद्देश्य। अरे भैया उद्देश्य का मतलब क्या होता है? कि हमारा कुछ ना कुछ क्या है, उद्देश्य है। उन्हीं उद्देश्यों के आधार पे क्या होता है, हमारा क्या होता है, भाषा होती है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं व्यापारी हूं, क्या हूं जी, मैं व्यापारी हूं, भैया व्यापारी की भाषा अलग होगी ना। अरे एक बात बताओ, जब मैं अपने घर में रहूंगा भैया अलग भाषा बोलूंगा अपने घर वालों से, मम्मी से, पापा से, बीबी से, बच्चों से, जो होगा व्यापारी अलग बोलेगा ना। अरे लेकिन जब व्यापार करने जाएगा तो वैसे थोड़ी बोलेगा, अलग बोलता है ना। क्या है? जैसे व्यापारी है, डॉक्टर है, वकील है, टीचर है, ठीक है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, ये भाई हर जगह पर प्रोफेशनल लैंग्वेज अलग होती ना, तुम सबने सुना होगा ना भाई। तो प्रयोजन मूलक हिंदी या प्रयोजन मूलक भाषा का मतलब होता है कि किसी खास उद्देश्य के लिए, किसी खास प्रयोजन के लिए जब हिंदी को बोला जा रहा है, वही प्रयोजन मूलक भाषा है। आप सबने डेली रूटीन की भाषा हमारी अलग होती है ना। एक बात बताओ कि अगर तुम डॉक्टर बन गए, भैया डॉक्टर बनने के बाद तुम घर में जैसे बोलते हो वैसे तो डॉक्टर अपनी जहां पर डॉक्टरी करोगे वहां तो नहीं बोलोगे ना। भैया डॉक्टर की भाषा बिल्कुल अलग होती है, टीचर की भाषा बिल्कुल अलग होती है, साहित्यकार की भाषा बिल्कुल अलग होती है। हर क्षेत्र की क्या होती है जी, अपनी भाषा होती है। क्या होती है जी? हर क्षेत्र की अपनी अलग अलग भाषा होती है। जैसे पॉलिटिकल साइंस की भाषा अलग है जी, पॉलिटिकल साइंस में कैसे भाषा बोली जाती है, लोकतंत्र, चुनाव, ठीक है, डेमोक्रेसी, अरे वही लोकतंत्र डेमोक्रेसी हो गया, ठीक है, निर्वाचन, ये सब बोला जाता ना, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, ये कैसे पॉलिटिकल साइंस की भाषा। उसी प्रकार से विज्ञान में चलोगे तो विज्ञान कैसी भाषा बोलता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, आर्गन, ऐसे बोलता है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप हिंदी में जाओगे तो हिंदी में कैसे बोलते हैं, हिंदी में जो साहित्यकार होता है, जो कविता वविता लिखता है, कैसे बोलता, छंद, लय, सुर, इस प्रकार से बोलता है ना। तो क्या था, हर विषय की भी अपनी एक अलग भाषा होती है, और हर क्षेत्र की अलग।
वो व्यापारी है भैया, व्यापारी की भाषा बिल्कुल अलग है, और उसी प्रकार से टीचर को देखोगे तो टीचर की भाषा बिल्कुल अलग है। हर व्यक्ति की क्या है, अपनी एक अलग क्या है जी, भाषा है। तो प्रयोजन मूलक भाषा या प्रयोजन मूलक हिंदी का मतलब होता है कि जब किसी खास उद्देश्य के लिए, जब किसी खास प्रयोजन के लिए भाषा को बोला जा रहा है, वही हमारी प्रयोजन मूलक भाषा या प्रयोजन मूलक हिंदी कहलाती है। चाहे पेपर में प्रयोजन मूलक हिंदी ही पूछता है, प्रयुक्ति का मतलब भैया प्रयोग, प्रयोग के आधार पर कैसी हिंदी है। जैसे व्यापारी, भाई व्यापारी अलग प्रकार की भाषा बोलेगा, वकील अलग प्रकार की भाषा बोलेगा, ठीक है, साहित्यकार जो कविता कहानी लिखते हो अलग प्रकार की भाषा बोलेंगे, वैज्ञानिक अलग प्रकार की भाषा बोलेगा, कार्यालय में अलग प्रकार की हिंदी बोली जाती है। हर जगह पर देखो प्रयोग, भाई हर जगह पर हिंदी अलग अलग प्रकार से प्रयोग होती है ना। अगर मैं बात करूं, देखो भाई सबसे पहले सामान्य व्यवहार में सब अलग, पर एक बात बताओ, हम लोग घर, जैसे घर में हिंदी बोलते हैं, क्या हम वैसे अपने स्कूल में हिंदी बोलते हैं जी? नहीं बोलते हैं ना। एक बात बताओ कि सामान्य व्यवहार की हिंदी अलग है ना। अरे मम्मी से जैसे हिंदी बोलते हो, पापा से जैसे बोलते हो, या घर आस पड़ोस में जैसे बोलते हो, क्या आप अपने टीचर से वैसे हिंदी में बात करते हैं? नहीं करते हैं ना जी। तो क्या है, यही भाई, क्योंकि वहां पर हमारा क्या है, कोई जब खास प्रयोजन हो जाता ना। अब देखो साहित्यकार की भैया हिंदी बिल्कुल अलग है। अब देखो प्रेमचंद है, महादेवी वर्मा है, साहित्यकार का कबीर, देखो कबीर कैसे हिंदी लिख रहे हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार की हिंदी लिखते हैं ना कबीर। जैसे रहीम दास है, रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानुष सून, क्या है, इस प्रकार की भाषा बोलते हैं। भाई साहित्यकार की बिल्कुल भाषा अलग है, अलग बोलता है। उसी प्रकार से वाणिज्य यानी व्यापार में व्यापारी अलग प्रकार की भाषा बोलता है। जैसे बाजार में मंदी आ गई है, ऐसे बोलता है, ठीक है। जैसे चांदी उछल गई, चांदी उछली मतलब चांदी के रेट बढ़ गए हैं, सोना फिसल गया, सोने के रेट डाउन हो गए हैं, ठीक है। या व्यापारी क्या बोलेगा, मूल्य बढ़ गया है, ठीक है, थोक रेट, फुटकर, ये कहाँ पर वाणिज्य में भाषा इसी बोली जाती है। अरे व्यापारी के भैया बिल्कुल भाषा अलग है। ये क्या कि भाई व्यापार एक अलग क्षेत्र है ना, तो उस क्षेत्र की अपनी एक अलग भाषा होगी ना। उसी प्रकार से प्रशासन के लोग अलग प्रकार की हिंदी बोलते हैं। प्रशासन में देखो किस प्रकार की हिंदी बोले जाते हैं, आपको तत्काल प्रभाव से पदोन्नति दी जाती है, आपको निष्कासित किया जाता है, ठीक है, आपको प्रमोशन दिया जाता है, इस प्रकार की वो लोग हिंदी बोलते हैं ना। तो क्या है भाई प्रशासन में, शासन प्रशासन में अगर देखो वकील कैसे हिंदी बोलता है, देखो वही अगर विधि मतलब होता भैया कानून, भाई कानून देखो अदालत में कैसे हिंदी बोलते हैं, मेरे वकील को बरी कर दिया जाए, हाजिर हो, ऐसे बोलता है ना कि मैं गीता पर कसम रख के, हाथ रख के कहता हूँ जो कहूंगा सच कहूंगा, ऐसे बोलते हैं ना। जैसे बोलेगा बाइज्जत बरी किया जाता है, ठीक है, आप पर मुकदमा चलाया जाता है, ठीक है, क्या है ये कहाँ पर बोले जाते, कानून में, विधिक यानी कानून, भाई अदालत, अदालत में तो ऐसी भाषा बोली जाती है। वकील देखो कैसी भाषा बोलता है, क्या वकील वैसी भाषा बोलता है जैसी हम भाषा बोलते हैं। तो भाई प्रयोजन मूलक क्या है कि भाई वहां पर वकील, वकालत का जो काम है उसका एक अलग प्रयोजन है, अलग उद्देश्य है, इसलिए वहां की हिंदी भाई अलग हो गई। अब देखो वैज्ञानिकों के लिए अलग प्रकार की हिंदी, देखो वैज्ञानिक अलग प्रकार की हिंदी बोलता है, भाई अंतरिक्ष में भेज दिया है, ठीक है, गगनयान पता नहीं क्या क्या, वैज्ञानिक अलग प्रकार की हिंदी बोलता है, रॉकेट भेज दिया, रॉकेट लॉन्चर है, ठीक है, कक्ष में पहुंच गया, ऐसे ऐसे बोलता है ना, चंद्रमा की, चंद्रमा से इतनी दूरी है, वहां चंद्रमा की यान पे हमने छोड़ दिया, चंद्रयान भेजा था तक, भाई वैज्ञानिक क्या है उसकी अलग प्रकार की हिंदी है जी। अब देखो मीडिया, मीडिया पत्रकार, पत्रकार देखो अलग प्रकार की हिंदी, बड़ी खबर आ रही है, ठीक है, देख लीजिए इस आदमी को, यही आदमी है, यही आदमी, ठीक है, तो मीडिया वाले कैसे बोलते हैं अलग प्रकार की। देखो अखबार की, अखबार की हिंदी कैसे है, जो टीवी चैनल पर डिबेट करता न्यूज वाला, देखो इसकी हिंदी कैसी है, बिल्कुल अलग हिंदी है जी। अब विज्ञापन में कैसी हिंदी प्रयोग होती है, भाई विज्ञापन मतलब एड्स, जो एड आती है उसमें कैसी हिंदी है, जिसमें बोलेगा जियो जी भर के ठंडा ठंडा कूल कूल नवरत्न तेल, ऐसी हिंदी बोलता है, ठीक है, आयोडेक्स मलिए आराम से चलिए, ठीक है, इस प्रकार से बोलता है ना, ठंडा ठंडा कूल कूल, थम्सअप का जो प्रचार आता है, जो अलग अलग एड आती है, देखो उनकी हिंदी कैसे, बिल्कुल सटीक है ना, ठीक है, लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती, यहाँ इस प्रकार की हिंदी बोल रहा हो तो अलग ही हिंदी बोल रहा। तो विज्ञापन भाई, विज्ञापन दाता जो है वो अलग प्रकार से हिंदी बोलते हैं ना। अरे एड में देख लो, किसी चप्पल का एड देख लो, साबुन का एड देख लो, निरमा का एड देख लो, बिस्किट का देख लो, नमकीन का देख लो, जैसे टेढ़ा है पर मेरा है, कौन सी भाषा टेढ़ा पर मेरा है, ठीक
ये भी एक भाषा है ना, क्या है, विज्ञापन में इसी प्रकार की हिंदी बोली जाती है, एड में, ताकि भैया कि जो खरीदने वाला आदमी उसको आकर्षित करना है ना, इसलिए बोलते हैं ऐसी हिंदी, ठीक समझ रहे हो। अब देखो प्रयोजन मूलक हिंदी और प्रयोजन प्रयोजन मूलक हिंदी, अब उसी के हम लोग बात, देखो भाई सामान्य व्यवहार बोलचाल की हिंदी बिल्कुल अलग है, साहित्यिक हिंदी बिल्कुल अलग है, वाणिज्य के क्षेत्र की हिंदी बिल्कुल अलग है, वही हम लोग बात करें ना, हर क्षेत्र जो है वह अलग अलग प्रकार से हिंदी को बोल रहा है। भाई व्यापारी की अलग हिंदी है तो वैज्ञानिक की अलग हिंदी है, ठीक है, वही वकील की अलग हिंदी है तो डॉक्टर की अलग हिंदी है, ठीक है, समझ रहे हो। संचार माध्यम में अखबार वाले अलग हिंदी बोल रहे हैं, विज्ञापन वाले अलग हिंदी बोल रहे हैं, सब बोल हिंदी ही रहे हैं, लेकिन सबका उद्देश्य अलग है। प्रयोजन मूलक हो गया कि जब किसी खास प्रयोजन के लिए, जब किसी खास उद्देश्य के लिए हिंदी का जब हम लोग प्रयोजन करते हैं तो ये हमारी होती है भाई मेरे प्रयोजन मूलक हिंदी या प्रयोजन मूलक भाषा। तो प्रयोजन एक खास प्रयोजन है ना, अगर आप देखेंगे तो भाई, अगर आप देखेंगे तो अगर हम लोग इसी की चर्चा करें, अगर वाणिज्य के क्षेत्र में भाई अलग अलग प्रकार की हिंदी बोली जाती है, वाणिज्य यानी जो व्यापार है, देखो तो व्यापारी व्यापारी कैसे बोलता है, जैसे लेन देन, बही खाता, बीमा, रिकॉर्ड, कैश मेमो, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कहाँ होता है भैया, व्यापार में होता है जी। और वैज्ञानिक हिंदी कैसे बोलते हैं, वैज्ञानिक जैसे विज्ञान में हिंदी, विज्ञान में हिंदी कैसे बोली जाती है, देखिए जैसे बोलेगा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैलोरी, ऐसे बोलता है। रसायन, टेक्निकल, तकनीक में कैसे शब्द बोले जाते हैं, तकनीक में अगर आप देखोगे, जैसे तकनीक में जैसे बोलते हैं इंटरनेट, वेबसाइट, गूगल, ये क्या है, ये प्रकार से टेक्निकल शब्द हैं। कार्यालय में हिंदी कैसे बोली जाती है, जो हमारे कार्यालय होते हैं भाई, जो सरकारी ऑफिस है, कार्यालय में अलग प्रकार की हिंदी चलती है, कार्यालय में कैसे बोलेगा, तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है, आपको पदोन्नति दी जाती है, आपको आपको डिसमिस, जैसे बोलेंगे कि आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, आप पर दंडात्मक कार्रवाई, ये क्या हो, यहाँ पर बोली जाती ना, जो हमारे सरकारी, जो सरकारी प्राइवेट जो ऑफिस होते हैं कार्यालय में, कार्यालय में इस प्रकार की हिंदी बोलेगा, जिस कार्यालय का लेटर पढ़ो, उक्त विषय में मुझे आवश्यक जानकारी आप दीजिए, ऐसे वैसे बोलेगा, इसी हिंदी बोलता है। और देखो अब विधि के क्षेत्र में भाई, कानून के क्षेत्र में तो अलग ही हिंदी बोली जाती है, जो विधि मतलब होता है कानून, कानून में कैसी हिंदी बोली जाएगी, जैसे कानून में एक प्रकार से हिंदी इस प्रकार से हम लोग बोलते हैं, जैसे जैसे बोलते हैं हाजिर हो, वकील, मौकिल, मुकदमा, बनाम, इस प्रकार के शब्दों का। भाई सामाजिक विज्ञान में तो अलग प्रकार से, जैसे पॉलिटिकल साइंस में अलग हिंदी चलती है, भूगोल में अलग प्रकार की हिंदी चलती है, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में अलग प्रकार की हिंदी बोली जाती है ना, तो हर क्षेत्र में क्या अलग अलग हिंदी है ना। जैसे संचार माध्यम में जो हमारे न्यूज वाले हैं, अखबार है, रेडियो है, टीवी है, क्या है, इनमें अलग प्रकार की हिंदी बोली जाती है, तुम सबने देखा ही होगा ना किस प्रकार की हिंदी बोलता है, अलग अलग प्रकार से ये लोग हिंदी बोलते रहते हैं ना। उसी प्रकार से अगर देखो भाई विज्ञापन में अलग प्रकार से हिंदी चलती है, जो हमारे एड है टीवी पर, रेडियो पर जो विज्ञापन आते, जो एड्स आती है, उनमें अलग 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 प्रकार की हिंदी का प्रयोग खूब हो रहा है ना। देखो जैसे जैसे हमारे रेडियो है, टीवी है, इंटरनेट है, इस पर देखो कितनी ऐड आती हैं, जैसे हॉकिंग्स लाइए, ईंधन बचाइए, विज्ञापन ऐसे बोलता है, ठीक है, आयोडेक्स मिलिए, काम पर चलिए, ये क्या विज्ञापन वाले ऐसे हिंदी बोल रहे हैं जी, इनका क्या, इनका खास प्रयोजन है, इनका खास उद्देश्य है ना, समझ रहे हैं। हाथ धोइए जरूर, बीमारी से रहिए कोसों दूर, ऐसी हिंदी बोल रहा क्या, हाथ धोइए जरूर और बीमारी से रहिए कोसों दूर, ये किसी निरमा साबुन वाबुन का प्रचार होगा, क्या बोलते हैं इसमें, या उसका पर हाथ धोइए जरूर, ठीक है। ये देखो बेटी छुई आकाश, बस मौके की तलाश, इस प्रकार के ऐड आते हैं ना, जैसे महिलाओं को लेकर के ऐड आते हैं। घर भर का दुलारा हमारा प्यारा, इस प्रकार से जैसे कोई चीज है, कपड़े उपड़े का प्रचार ऐसे किया जाता है खासतौर से, तो यानी ऐड वाले, यानी हर जगह पर अलग अलग प्रकार के उद्देश्यों के लिए क्या है, हिंदी का प्रयोग हम लोगों को देखने को मिलता ही मिलता है, समझ गए। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आ सकेगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, हिंदी की संवैधानिक स्थिति की चर्चा कीजिए, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार कई साल में पूछा गया कि हिंदी की संवैधानिक स्थिति बताओ, हिंदी को लेकर के बहुत क्वेश्चन पूछे गए। या अगर मैं बात करूं, जैसे यहाँ पर इसने इसमें तो नहीं पूछा है, लेकिन कई साल अगर आप देखेंगे तो जैसे ये यहाँ पर देखेगा हिंदी को लेकर के काफी क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर हिंदी को लेकर के काफी क्वेश्चन है, या देखो हिंदी वाणिज्य क्षेत्र में हिंदी, ठीक है, यहाँ पर देखे, देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया, राजभाषा हिंदी को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया था 12वें चैप्टर की अगर मैं बात करूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें, इस साल भी इन्होंने क्वेश्चन पूछा था हिंदी को लेकर के, तो खास तौर से आपका जो 12वां चैप्टर है
यह भी इम्पोर्टेंट हो सकता है और इसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। इसके लिए इसको भी पढ़ करके जाना हमारे लिए जरूरी है। देखो हिंदी की संवैधानिक स्थिति की मैं सबसे पहले अगर बात करूं तो सिंपल सा सबसे पहले नॉर्मल भाषा में मेरी बात को सुनिएगा, तभी आपको ये थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है। देखो भाई मेरे, कि हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम रहा, आप सबको पता होगा कि लंबे समय तक देश अंग्रेजों का गुलाम रहा, और जब हमारा देश लंबे समय तक अंग्रेजों का गुलाम रहा तो अंग्रेजों ने यहाँ पर सारा कामकाज, सारा जो सरकारी कामकाज होता था वह अंग्रेजी भाषा में चलता था। अंग्रेजी भाषा में हमारी कोर्ट चलती थी, हमारा शासन प्रशासन, जो सरकारी कामकाज होता था सारा अंग्रेजी में होता था, कुछ भी हिंदी में नहीं होता था अंग्रेजों का जब तक शासन रहा, ठीक है। और आप सबको पता होगा कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद आप सबको पता होगा कि हमारे देश का संविधान बना, ठीक है, और भारतीय संविधान को बनाया गया कि भाई देश को कैसे चला जाएगा। तो भाई जब संविधान बन रहा था, याद रखना भाई, जब संविधान बन रहा था संविधान बनाने के लिए बनी थी संविधान सभा। संविधान सभा का मतलब था कि जो संविधान बनाएगी या संविधान लिखेगी उसको बोलते हैं संविधान सभा। तो भाई संविधान सभा में सवाल उठा कि हम लोगों को कौन सी भाषा का प्रयोग करना है। क्या बोला मैंने, कि संविधान सभा में ये मुद्दा आया कि भाई कौन सी भाषा हम लोग लेंगे, कौन सी भाषा में काम करेंगे, कौन सी भाषा में सरकार काम करेगी। तो भाई जो उत्तर भारत के लोग थे, जैसे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, इधर के जो लोग थे, नॉर्थ इंडियन जो लोग थे, उन लोगों ने कहा भाई हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दो। राष्ट्रभाषा का मतलब होता है कि वह भाषा जो एक देश में एक ही भाषा है उसको राष्ट्रभाषा। देखो भाई हमारे देश में तो बहुत सारी भाषाएं बोली जाती थी, आप सबको पता ही होगा कि हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। देखो जैसे तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, केरल में मलयालम बोली जाती है, बंगाल में बंगाली बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है। तो हमारे देश में कई सारी भाषाएं बोली जाती थी, इसलिए जब हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की लेकर के बात की गई तो कई सारे लोगों ने इसका विरोध किया। क्यों? खास तौर से तमिलनाडु के लोगों ने हिंदी का विरोध किया क्योंकि उनका कहना यही था कि हम लोगों को हिंदी नहीं आती है और हिंदी हमारी भाषा नहीं है, इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनना चाहिए। क्या वो लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के पक्षधर नहीं थे, उन लोगों को लगता था कि अगर हिंदी राष्ट्रभाषा बन जाएगी तो उनका नुकसान होगा। इसलिए भारत यानी हम, देखो संविधान जो लोग बना रहे थे उन लोगों ने सोचा कि अगर हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बनेगी तो भाई हिंदी के साथ साथ लगभग 22 भाषाओं को, कितनी, 22 लैंग्वेज को हम लोगों ने राजभाषा, देखो हिंदी हमारी राजभाषा कौन सी जी, हिंदी हमारी राजभाषा है। राजभाषा क्या होती है, राजभाषा का मतलब होता है कि भाई मेरे सरकारी कामकाज की भाषा, यानी हमारी जो सरकार होगी, हमारी जो गवर्नमेंट होगी वह किस भाषा में काम करेगी उसी को हम लोग बोलते हैं राजभाषा। हिंदी हमारी क्या बनी भाई मेरे, राजभाषा बनी। और हिंदी को 14 सितंबर 1949 को, ये डेट याद रखना, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है इसी उपलक्ष्य में, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को शामिल किया गया और इस पर पूरी बहस चली और हिंदी हमारी क्या बनी, राजभाषा बनी। यानी सरकार जो हमारी काम करेगी, भारत सरकार जो काम करेगी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, हमारे जो कोर्ट है, हमारी जो न्यायालय है, हमारी जो संसद है, वह हिंदी में काम करेंगी। हिंदी हमारी क्या बन गई जी, राजभाषा। यानी सरकारी कामकाज क्या होगा, हिंदी भाषा में होगा। अब देखो भाई मेरे, हिंदी तो हमने राजभाषा बना ली, लेकिन हमारे देश जिस समय आजाद हुआ उस समय पूरे देश में अंग्रेजी भाषा चलती थी। अब देखो भाई मेरे, हिंदी तो आपने राजभाषा ले ली, भाई पूरे देश में अंग्रेजी चल रही थी सारे सरकारी कामकाज में, तो भाई अंग्रेजी को ऐसे अचानक से खत्म नहीं कर सकते थे, अचानक एक दिन में तो नहीं हो सकती थी, इसलिए कहा गया कि धीरे धीरे अंग्रेजी हटती जाएगी। क्या बोला गया कि भाई मेरे धीरे धीरे अंग्रेजी हटती जाएगी और अंग्रेजी की जगह पर हिंदी का आ जाएगा, इसलिए बोला गया कि 15 साल में, कितने साल में जी, बोला गया था 15 साल में, 15 वर्षों का समय लगेगा और 15 वर्षों में धीरे धीरे अंग्रेजी समाप्त होती चली जाएगी सरकारी कामकाज में से और अंग्रेजी की जगह पर हिंदी आ जाएगी, ठीक है। देखो जब भारतीय संविधान लागू किया गया तो हिंदी को सरकारी कामकाज की भाषा माना गया। देखो हमारे प्रधानमंत्री हो,
मुख्यमंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, हमारी संसद हो, हमारे जो कोर्ट है, न्यायालय है, ये सभी हिंदी में काम करेंगे। आज देखो सुप्रीम कोर्ट अंग्रेजी में जरूर चलता है, लेकिन उसका जो क्या एक प्रकार से जजमेंट होता है वह हिंदी में आता। वही संसद में अगर कोई बिल आता है तो वह हिंदी में भी रहता है। और भारतीय संविधान ने 22 भाषाओं को राजभाषा माना है, हिंदी उसमें से एक है। देखो भारतीय संविधान के 343 भाई 343 अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा के रूप में लिया गया। हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा की, यानी सरकारी कामकाज की भाषा है। यानी सरकार हमारी किस में काम करेगी? हिंदी में काम करेगी। और हिंदी को हमने राजभाषा माना है और देवनागरी को अपनी लिपि माना। हिंदी किस में लिखी जाएगी? देवनागरी में लिखी जाएगी। तो राजभाषा हमारी हिंदी बनी और लिपि हमने क्या बनाया? देवनागरी को। और हिंदी के साथ साथ देखो हिंदी में ही हमारा पूरा जो हमारी राज्य सरकार है, जो हमारी केंद्र सरकार है, सभी सरकारें हमारी हिंदी में काम करेंगी। साथ में यह भी क्या कहते, हमारी जो संसद है, हमारी विधानसभाएं हैं, वह सभी हिंदी भाषा का प्रयोग करेंगी। क्योंकि तो उस समय पूरे देश में अंग्रेजी बोली जाती थी, तो अंग्रेजी को धीरे धीरे 15 साल में हटा करके उसके स्थान पर हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। क्योंकि तो हिंदी हमारी क्या बनी? राजभाषा बनी। और जो हम मैंने 22 भाषाओं की बात की थी, तो वह कौन कौन सी 22 भाषाएं हैं जिन भाषाओं को हमने एक प्रकार से राजभाषा माना है? तो 22 भाषाओं का टेबल पेपर में बना करके आना है। देखो हिंदी तो हमारी राजभाषा है, हिंदी के साथ साथ भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा मिला है। नहीं, हमारी सरकार, हमारे जो सरकारी विभाग होंगे, जो सरकार कोई नोटिस देगी, कोई विज्ञापन देगी, कोई जानकारी देगी, तो इन 22 भाषाओं में रिलीज होगी, छपेगी। तो यानी हम लोगों ने हिंदी के साथ साथ 22 भाषाओं को राजभाषा बनाया, यानी इसमें भी सरकारी काम होगा। तो 22 भाषाएं कौन कौन सी याद रखना है? असमिया, कश्मीरी, संस्कृत, बंगला, मलयालम, गुजराती, मराठी, तमिल, हिंदी, उड़िया, तेलुगु, कन्नड़, पंजाबी, उर्दू, सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, डोगरी, मैथिली, बोडो और संथाली। यानी ये 22 भाषाएं जो होंगी इसमें सरकारी कामकाज होगा। और हिंदी को भारत की संस्कृति का वाहक माना गया कि भाई हिंदी ही हमारी सभ्यता संस्कृति, मतलब समझते खान पान पहनावा रीति रिवाज को बढ़ाने का कौन काम करती है? भाई हिंदी करती है। और हिंदी को 8वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया। अब देखो अब हमारे देश में, देखो अब हमारे देश में खास तौर से हमारे उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय, यानी जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है, वह राजभाषा हिंदी में काम करेगा। दूसरा, हमारे देश में संसद जो है, वो चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, वो दोनों हिंदी में काम करेगी। आज हमारे जो विधानमंडल, विधानसभाएं भी हिंदी में काम करेगी। प्रधानमंत्री अगर कोई जानकारी देता है, प्रधानमंत्री कोई चिट्ठी लिखता है, प्रधानमंत्री देश के सामने अगर कोई बात रखता है, तो वह हिंदी भाषा में भी रहेगा। साथ में राष्ट्रपति अगर कोई आदेश जारी करता है, क्या बोला? राष्ट्रपति भी अगर कोई आदेश जारी करता है, तो वह भी हिंदी भाषा में ही छपा होगा। इन 22 भाषाओं में वो छपा ही रहेगा। यानी हिंदी भाषा का प्रयोग जो हिंदी राजभाषा के रूप में कहाँ कहाँ यूज होती है भैया? न्यायालय में, संसद में, विधानसभा में, सरकारी कार्यालय में। प्रधानमंत्री राजभाषा का प्रयोग करेंगे, मुख्यमंत्री करेंगे, साथ में जो राष्ट्रपति हैं यह भी राजभाषा हिंदी का प्रयोग करेंगे। ये सभी लोग अपनी भाषा के रूप में एक हिंदी को भी मानेंगे। अंग्रेजी में करे कोई बात नहीं, लेकिन हिंदी में करना है इन 22 भाषाओं में। अब मैं तुमको बता दूं, देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनकी एक कार्यक्रम आता मन की बात, भाई वो मन की बात जो है इन 22 भाषाओं में आता है। आप सबको पता नहीं होगा, 22 भाषाओं में छपता है। कहने का मतलब क्या कि भाई सरकार की तरफ से, देखो अगर एक एग्जांपल बताऊं, देखो भाई तुम सबको पता है भाई, तो 2020 में कोरोना आया था, ठीक है, लगभग 21 ही आ गया था, 20-21 मान लीजिए जब कोरोना रहा, तो 2020 में कोरोना आया। तो भाई कोरोना की अगर बात करूं, तो कोरोना के समय भी अगर आप लोग देखेंगे, तो उस समय सरकार जो भी जानकारी देती थी वह हिंदी और इन 22 भाषाओं में देती थी। हिंदी जो है वो हमारी सरकारी कामकाज की भाषा है। सरकार इन 22
22 भाषाओं में काम करती है, जिसमें हिंदी भी हमारी क्या है, एक भाषा के रूप में इसका हम लोगों ने क्या किया है, प्रयोग किया है। तो राजभाषा हिंदी या हिंदी की संवैधानिक स्थिति को लेकर के आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसलिए हिंदी राजभाषा या संवैधानिक स्थिति, हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या है या राजभाषा हिंदी क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन अगर पेपर में आया या पेपर में पूछा गया, जो मैंने बोला है आप लोगों को वही लिख करके आना है। जो जो मैं बता रहा हूँ उसी को आपको क्या करके आना, बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक।